बल्गेरिया देश के वेलिको तार्नोवो शहर में 17 से 20 फरवरी तक 2022 का डेन कोलोब एंड निकोलो पेत्रोव रेसलिंग टूर्नामेंट चला। इस टूर्नामेंट में 35 नेशंस के 447 रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किए। भारत के 60 रेसलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जबकि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बल्गेरिया के थे। बल्गेरिया के टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स थे। बल्गेरिया ने इस टूर्नामेंट में 18 मेडल्स हासिल किए और 8 गोल्ड जीतकर पहला रैंक हासिल किया। बेलारूस ने टोटल 10 मेडल्स जीते और 5 गोल्ड के साथ दूसरे पायदान पर रहा। अजरबैजान ने 9 मेडल्स हासिल किए और 3 गोल्ड के साथ तीसरे पायदान पर रहा। इंडिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते और 1 गोल्ड मेडल के साथ 8th रैंक हासिल किया। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल्स बल्गेरिया ने जीता। बल्गेरिया ने टोटल 18 मेडल्स जीता, जबकि इंडिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते, जो इस टूर्नामेंट में सेकेंड मोस्ट है। इंडिया 16 मेडल्स जीतकर भी 8वें पायदान पर रहा, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल देवी संजू ने जीता, जिन्होंने वुमेन्स रेसलिंग के 59 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। अगर ये गोल्ड नहीं जीतती तो इंडिया 8वें नहीं बल्कि 14वें पायदान पर रहता। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार दहिया ने भी यहाँ सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में उनको अल्बेनिया के जालिम खान अपकरोव ने हराया। रेसलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्री स्टाइल रेसलिंग और दूसरा होता है ग्रीको रोमन रेसलिंग। इन दोनों का डिफरेंस यह है कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में पैर पकड़ कर डिफेंस और अटैक कर सकते हैं, पर ग्रीको रोमन में कमर के नीचे पकड़ने की इजाजत नहीं है। मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में बेलारूस ने नंबर 1 हासिल किया, सेकंड में इंडिया रहा, जबकि थर्ड में अजरबैजान। मेंस ग्रीको रोमन रेसलिंग में जॉर्जिया नंबर 1 पे रहा, सेकंड पोजीशन बल्गेरिया को मिला और थर्ड पोजीशन किर्गिस्तान को मिला। वुमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में बल्गेरिया नंबर 1 पे रहा, सेकंड में इंडिया और थर्ड में फ्रांस रहा। इंडिया के ज्यादातर रेसलर्स फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, इसलिए आपको इंडिया के मेडल्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में दिखेंगे और ग्रीको रोमन में नहीं दिखेंगे। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।